हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और लैरावेल ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम अपने नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। और आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे राउटिंग के कुछ और नए वेरिएशंस। तो लास्ट वीडियो में हमने दो तीन बेसिक जो राउटिंग के सिस्टम थे, जो वेरिएशंस थे, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो दो तीन बेसिक पॉइंट्स थे राउटिंग के ऊपर, उससे ही हमने देखा था और उससे ही डिस्कस किया था। और आज जो है राउटिंग के ऊपर ही थोड़ा सा और एडवांस टॉपिक देखेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पे हम कंट्रोलर ब्लेड ये सब बनाएंगे और आगे का टॉपिक जो है एडवांस लेवल का देखेंगे। बट राउटिंग जो है, और आज हम कोशिश करते हैं कि राउटिंग का बिल्कुल बेसिक से लेके कोर से लेके एडवांस तक हम खत्म कर चुके खत्म करते हैं। बट कुछ ऐसे राउटिंग के टॉपिक हमें ज़रूर देखने मिलेंगे जो हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, जब हम काम करेंगे, जब हम जो व्यूज़ पे और कंट्रोलर्स पे डीप लेवल में काम करेंगे उस समय डिस्कस करेंगे। बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम राउटिंग का पोर्शन जो है वो हम कवर कर दें। तो अगर आपको याद होगा तो कल हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया था, जहाँ पे हमने बोला था कि अगर हमारे क्लाइंट से कुछ रिक्वेस्ट आता है, ये हो गया हमारा क्लाइंट जो कि आपका ब्राउज़र है, यहाँ से जो सिंपली एक रिक्वेस्ट आता है तो वो जाता है हमारे web.php के पास। web.php के पास मीन्स हमारा राउटिंग है ना, हमारे राउटिंग फाइल, जो ये तय करता है कि उस यूआरएल को, उस ये जो यूआरएल का रिक्वेस्ट आ रहा है उस यूआरएल को एंटरटेन करना भी है या नहीं करना, और अगर करना है तो फिर हमें कहाँ जाना है। उस यूआरएल को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस हुआ करते थे। आइदर हम यहाँ पे ही web.php में ही एक छोटा सा फंक्शन बना ले, मीन्स जहाँ पे उस यूआरएल को रिसीव किया जा रहा है web.php में, जहाँ पे वो यूआरएल एक्सेप्ट हो रहा है, वहीं पे आप एक छोटा सा फंक्शन बना सकते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये वाला पोर्शन हम इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ही एक छोटा सा फंक्शन बना लिया जा रहा है, आपको किसी दूसरे जगह रीडायरेक्ट नहीं किया जा रहा है, आपको किसी कंट्रोलर में आपके रिक्वेस्ट को नहीं भेजा जा रहा है, किसी व्यू में आपके रिक्वेस्ट को नहीं भेजा जा रहा है। यहाँ से तो हम फंक्शन के अंदर से भेज रहे हैं, मीन्स ऐसा नहीं जैसे ये वाला देखिए रूट मिलता ही किसी व्यू को रिटर्न करवा दिया गया, बट फंक्शन के केस में ऐसा नहीं है, हम कोई भी काम अंदर में यहाँ पर कर सकते हैं। तो इन द सेंस कि जो भी काम हो रहा है हम यहाँ पे ही वो कर रहे हैं, चाहे हमें किसी दूसरे जगह रिडेक्ट करवाना है या कोई काम करना है, वॉट एवर जो भी है। दूसरा था कि हम किसी कंट्रोलर में भेज दें, हम किसी मतलब पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पे, यूआरएल के पर्टिकुलर निकनेम पे, या हम बोले कि जो भी यूआरआई आ रहा है उसके एक पर्टिकुलर टोकन पे, हम कहाँ भेज दें इसको, किसी एक कंट्रोलर में भेज दें, तो इसका नाम हम कंट्रोलर रख देते हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था, बट हमें एक रिव्यू ले लेते हैं इस बात की कि अब हम बढ़ने वाले हैं राउटिंग के कुछ एडवांस टॉपिक, या हम उसे रिटर्न कर दें किसी व्यू के पास, या हम किसी व्यू में उसको भेज दें। तो यही तीन पॉसिबिलिटीज़ थी, या तो आप फंक्शन बना लें यहीं पे, यहाँ पे से हम इसे भी ब्रैकेट में कर दें, या तो हम यहीं पे फंक्शन बना लें, या तो हम किसी कंट्रोलर में भेज दें, कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन होना चाहिए, ध्यान रखें, उसको हम इस तरह से डिनोट कर दे रहे हैं। कंट्रोलर के अंदर एक मेथड होना चाहिए, आइदर वो मेथड आपका इंडेक्स डॉट इंडेक्स मेथड हो सकता है, या फिर कोई दूसरा मेथड्स हो सकता है। देखेंगे हम ये बिल्कुल चीज़ें डीपर में देखेंगे, अभी हम मेन फोकस हमारा राउटिंग की ओर है, या फिर हमारा एक व्यू हो सकता है। ठीक, यही तीनों का एग्जांपल देखिए यहाँ पे दे रखा गया है। ये दोनों एक व्यू एक फंक्शन का एग्जांपल है ना, और ये जो है क्या कर रहा है, एक व्यू की ओर रिटर्न कर रहा है, और ये जो है अगर हमें प्रोसेस डेटा यूआरएल पे मिल रहा है तो भाई इस माई कंट्रोलर एक कंट्रोलर है जिसके अंदर सेट डेटा नाम का एक मेथड है, आप देख पा रहे हैं यहाँ माई कंट्रोलर, उसके अंदर एक फंक्शन है सेट डेटा, इसको कॉल किया जा रहा है। अब इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे कंट्रोलर बना, कैसे कंट्रोलर फिर काम करता है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेंगे। आज का जो वीडियो हमारा होगा कवर करेगा वो मेनली एडवांस जो राउटिंग है उनको कवर करेगा। तो ये तीन बेसिक राउटिंग्स है जो हमने तीन बेसिक राउटिंग्स लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम थोड़ा सा राउटिंग को एडवांस में देखते हैं, एडवांस और भी क्या क्या राउटिंग्स में पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो देखिए राउटिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है लैरावेल की, ये आपके बहुत काम आने वाला है अगर एक बड़ा लेवल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो, इसलिए राउटिंग हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो राउटिंग में आज जो टॉपिक हम देखेंगे वो है कि राउटिंग के अंदर अगर हमें पैरामीटर्स भेजने हैं थ्रू राउट, अगर हम किसी यहाँ पे चलिए हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं,
हम ज़्यादा इस्तेमाल यहीं पे करेंगे, इधर से यूआरएल आएगा हमारा डेटा और फिर हम यहाँ से फंक्शन में चले जाएंगे। हम कोई कंट्रोलर वगैरह में अभी नहीं जाएंगे, जो भी काम होने वाला है हमारा यहाँ से होगा। यूआरएल से डेटा मिलेगा और हम उसको फंक्शन में लेके जाएंगे। अब यहाँ से इस यूआरएल से कुछ हम पैरामीटर्स भी भेज सकते हैं और उसे हम इस फंक्शन में रिसीव करके यहाँ आपको जो भी काम करना हो आप कर सकते हैं। मतलब आपका जो डेटा है इस फंक्शन में, जब आप यूआरएल को आप सेट कर रहे हो, यूआरएल यहाँ पे आप इनिशियलाइज़ कर दे रहे हो कि भाई ये यूआरएल ही काम करेगा, उस समय ही आप बता दे रहे हो कि इस यूआरएल पे वेरिएबल भेजा जाएगा और वो वेरिएबल फिर आपको इस फंक्शन में रिसीव कर लेना है। अरे मेरी बात समझ में, मीन्स जब हम वो यूआरएल यहाँ पे इनिशियलाइज़ करेंगे, सेट करेंगे, बताएंगे लैरेवल की भाई ये यूआरएल आने वाला है, उसी समय ही हम बता देंगे कि उसके साथ ये वेरिएबल भी आने वाला है। तो जो फंक्शन इसको हैंडल करेगा, जो कंट्रोलर इसको हैंडल करेगा, वो भाई इस वेरिएबल को मैनेज करेगा। तो हम ज़्यादातर काम अभी इस केस में सारा फंक्शन से करेंगे। तो ये फंक्शन जब हम बनाएंगे उसी समय ये जो वेरिएबल इस यूआरएल पे आ रहा है वो फंक्शन उसको हैंडल भी करेगा। तो समझिए, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हम यूआरएल के साथ कुछ वैल्यूज़ भी भेज सकते हैं। आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, हम यूआरएल के साथ कुछ वैल्यूज़ भी भेज सकते हैं, बट वो वैल्यू भेजे जाएंगे या नहीं भेजे जाएंगे वो तो यूआरएल देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। मीन्स जब आप यूआरएल बना रहे हो तभी आप ये फाइनल कर दे रहे हो कि इस यूआरएल के साथ वेरिएबल आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो जब हम यूआरएल में ही तय कर दे रहे हैं कि वेरिएबल आएगा, तो लगे हाथ उस यूआरएल का जो हैंडलर फंक्शन है उसमें भी ये हम वेरिएबल को रिसीव कर लेंगे और जो भी एक्शन उस वेरिएबल के पे करना है वो भी हम तय कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं, अब हम डायरेक्टली लैब क्यू, मतलब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। तो हम एक राउट लिखते हैं गेट, और देखिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यूज़र। आप स्टैक, ध्यान रहे ये जो आपने लिखा है यूज़र, ये आपने एक डायरेक्ट स्टैटिक कीवर्ड लिख दिया है यूज़र। तो यूआरएल पे डायरेक्ट कंपेयर होगा, यूज़र ही लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट इस्तेमाल किया। इस ब्रैकेट का क्या मतलब हुआ कि अब जो आप यहाँ पे एक वेरिएबल भेजने वाले हो, मान लेते हैं वेरिएबल में हम आईडी भेजेंगे यूज़र का, ठीक है, या यूज़र का एज भेजेंगे। ध्यान से बात समझिए, तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, कैसे समझ में आएगा। ये जो बिना ब्रैकेट के लिखा हुआ है, बिना कर्ली ब्रैकेट के ये आपने लिखा है यूज़र, तो ये स्टैटिकली कंपेयर होगा। मीन्स यूआरएल पे यूज़र ही लिखा हुआ होना चाहिए, कुछ और आप नहीं लिख सकते, यूज़र ही लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद स्लैश देके आपने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। इसका मतलब क्या कि इसके बाद जो यूज़र लिखा हुआ है और उसके बाद अगर कुछ भी आप स्लैश देके लिख रहे हो, उस टर्म को एज अ वेरिएबल वैल्यू रिसीव किया जाएगा। मीन्स आप यहाँ कुछ भी लिख दो, उसको यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो फिर जब हम फंक्शन लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डॉलर एज। देखिए नाम आप सेम भी रख सकते हो, अलग भी रख सकते हो। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए इधर आ जाइए। अब इसका मतलब क्या कि आपको यूआरएल पे पहले जो आपका डोमेन है वो लिखना, देन यूजर ही लिखना है। यहां पे आपने स्टैटिकली लिखा है यूजर, मींस इट मस्ट बी यूजर एट यूआरएल, यूजर लिखा होना चाहिए। उसके बाद स्लैश देके आपने एक वेरिएबल रिसीव करो, मतलब आप लैरेवल को बता रहे हो यूजर जो लिखा होगा उसके बाद एक स्लैश होगा, उसके बाद जो लिखा होगा वो एक वेरिएबल का वैल्यू होगा। सो इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। एज आपने ब्रैकेट दे दिया, मतलब ये एक वेरिएबल का वैल्यू है, इसको आपको टेक्स्ट आपको यहाँ पे कंपेयर नहीं करना है, ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे आपने स्टैटिक लिखा है यूज़र, सो द देयर मस्ट बी यूज़र एट यूआरएल। उसके बाद हमने दे दिया एज, उस एज को जैसे मैंने अभी बताया ना कि हम यूआरएल पे ही तय कर लेंगे कि उस यूआरएल पे वेरिएबल आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपने तय कर लिया कि भाई ये जो यूआरएल बनेगा उसमें यूआरएल यूज़र नाम का लिखा होगा, उसके बाद एक वैल्यू आएगा। मैंने क्या बताया कि फिर लगे हाथ जो उसका हैंडलर फंक्शन है हमें वहाँ भी सेटअप कर देने, उस वेरिएबल के साथ एक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे मैं एक बगल में फंक्शन लिख रहा हूँ और ये जो एज यहाँ से आ रही है, जो वैल्यू आ रहा है, उसे मैं इस वेरिएबल में स्टोर कर ले रहा हूँ। स्टोर कर लिए, अब उसको साथ क्या करना है भैया, तो मान लो मैं एक टेस्ट करता हूँ, इफ़ डॉलर एज है ना लेस देन 30, इफ डॉलर इज लेस देन 30 देन इको वेलकम टू पोर्टल, है ना, वेलकम टू पोर्टल। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो हम उसे बाहर का रास्ता दिखाते हैं, देन यू आर नॉट अलाउड,
तो इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, स्प्लिट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा, गेट स्लैश यूजर, तो ये तो भाई आपको लिखना है यूआरएल पे, ये स्लैश मतलब ये इससे पहले आपका जो डोमेन है वो, उसके बाद यूजर ही लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये स्टैटिक है, यहाँ पे आपने स्टैटिक लिखा है, यूजर टेक्स्ट लिख दिया प्लेन, तो वो यूआरएल जो है सिंपली प्लेन यूजर को देखेगा कि क्या यहाँ यूजर लिखा हुआ है। अगर लिखा है उसके स्लैश देखिए आपने करली ब्रैकेट में लिख दिया। अब जो ये करली ब्रैकेट में लिखा आपने, ये एक वेरिएबल की वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाएगा, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप यहाँ कुछ भी लिख दो। उसके बाद उसको हम यहाँ पे रिसीव कर ले रहे हैं, इस वेरिएबल, ये एक वैल्यू हो गया, इसको हमने यहाँ रिसीव कर लिया इस वेरिएबल में, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या हो जा रहा है, डॉलर एज अगर लेस देन 30 है तो ये दिखेगा, नहीं है तो ये दिखेगा। अब हम इसका एक टेस्ट करते हैं, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ आते हैं हम, यहाँ एक बार हम लिखते हैं यूज़र स्लैश 25, तो ये यूज़र एग्जैक्ट शार्पली कंपेयर होगा, एंड देन 25 इट विल बी टेकन एज अ वैल्यू, एंड देन इस वैल्यू विल बी स्टोर टू द वेरिएबल विच आई मेंशन्ड हियर, डॉलर डॉलर एज, ओके। अब उसके बाद ये क्या कर रहा है, अगर सब कुछ ओके है, बिल्कुल इसके हिसाब से है, तो फिर ये चेक कर रहा है एज लेस देन 30 है तो ये दिखाएगा, ग्रेटर देन है तो ये दिखाएगा। तो हमने 25 दे रखा है तो क्या दिखना चाहिए, वेलकम टू द पोर्टल। और अगर इसे हम 35 कर दे रहे हैं तो देखिए ये दिख रहा है यू आर नॉट अलाउड। बट क्या होगा अगर हम यहाँ पर यूज़र एक्स दे दें, तब क्या ये काम करेगा, देखिए दिखाया नॉट फाउंड। मैंने क्या बताया कि ये कोई वेरिएबल नहीं है, इसका कंपेयर एज अ स्टैटिक टेक्स्ट के साथ हो रहा है, सो इट मस्ट बी यूज़र एक्स, इट मस्ट बी यूज़र एक्स, क्योंकि यू आर एल के हिसाब से यहाँ पे यूज़र ही लिखा होना चाहिए, यहाँ पे यूज़र लिखा होना चाहिए और यहाँ पे कोई भी वैल्यू चलेगा। यू आर एल क्या बता रहा है लैरेवेल को कि यहाँ यूज़र लिखा हुआ होना चाहिए और यहाँ पे कुछ भी चलेगा, जो कुछ भी आप यहाँ लिखोगे उसे एज अ वेरिएबल, उसके वैल्यू को इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया जाएगा और आगे प्रोसेस किया जाएगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई। चलिए एक और करते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल, वापस से आते हैं हम, राउट गेट ले लेते हैं और यहाँ पे देखिए अब हम क्या लिखते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट मैंने स्टैटिक टेक्स्ट लिखा, सो यो द यूआरएल विच विल बी यूज्ड इन यूआरएल बार, यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू दिखेगा वहाँ पे यूज़र ही लिखा, क्या हमने यहाँ लिखा है फर्स्ट लिखा है, सो यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ ही होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं होगा, तो जो भी आप यहाँ लिखोगे। उसके बाद स्लैश, फिर मैंने यहाँ दे दिया ओ सपोज एफ नेम, ये मैंने बस वैल्यू लिख दिया। देखिए ये एफ नेम ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस वैल्यू को जो आप यूआरएल पे लिखोगे, एफ नेम जो है वो कुछ टेक्स्ट मैंने स्टैटिक वैल्यू नहीं है, जो कुछ भी फर्स्ट के बाद लिखा जाएगा इट विल बी टेकन हेयर इन एफ नेम एंड देन इट विल बी ट्रांसफर टू द वेरिएबल विच विल हैंडल दैट यूआरएल। अब उसके बाद फिर मैंने क्या किया, सेकंड एक टेक्स्ट लिखा, अगेन स्टैटिक टेक्स्ट, उसके बाद फिर एक वेरिएबल दे दिया एस नेम। तो देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप यहाँ क्या लिख रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद देखिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन डॉलर एफ नेम डॉलर एस नेम, इको स्टैटिक में लिखते हैं हेलो, स्पेस देते हैं डॉलर एफ नेम को प्रिंट करते हैं, फिर स्पेस देते हैं डॉलर एस नेम को प्रिंट कर देते हैं। अब ये काम कैसे करेगा समझिए, इस यूआरएल की कंपेयरिंग कैसे होगी, यूआरएल पे सबसे पहले फर्स्ट लिखा होना चाहिए, उसके बाद इस जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ये वेरिएबल का वैल्यू होने वाला है, फिर स्लैश, फिर आपका सेकंड ही हुआ लिखा हुआ होना चाहिए, ये आपने प्लेन टेक्स्ट में यहाँ लिखा है, सो इट विल कंपेयर द सेम एग्जैक्टली सेम सेकंड ही लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद फिर आपने ये कर्ली ब्रैकेट दिया तो फिर ये एज अ वेरिएबल की वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाएगा, पहला ब्रैकेट एंगुलर पहला कर्ली ब्रैकेट का वैल्यू इस फर्स्ट वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा, सेकेंड कर्ली ब्रैकेट का वैल्यू इस सेकेंड वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो चलिए देखते हैं क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट के बाद हमने यहाँ लिखा एम डी स्लैश, सेकेंड के बाद हमने लिखा यहाँ जमाल, देखिए क्या दिखाया हेलो एम डी जमाल। अगर मैं देखिए मैं यहाँ पे ना जो सेकेंड वाला है जमाल की जगह कुछ भी लिखूँ तब भी काम करेगा, इमरान काम किया, लेकिन अगर मैं ये जो सेकेंड है इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ थर्ड,
क्या ये काम करेगा? देखिए, दिखा है नॉट फाउंड। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? देखिए, मैं बहुत डीपर लेवल में जाके पढ़ा रहा हूँ यूआरएल, ये जो राउटिंग है, और मैं चाहता हूँ कि हाँ जो भी इसे सीखे बहुत अच्छे से सीखे, बहुत बेहतर तरीके से सीखे। तो जितना कुछ पॉसिबल होगा मैं सब कुछ बताऊँगा। आपका काम इतना है, बस इसे बहुत अच्छे से देखना, एंड तक देखना, दिमाग को खाली करके देखना है, ठीक है? तो होपफुली ये जो पैरामीटर्स हम भेज रहे हैं वो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए इसके ऊपर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। लेट अस क्रिएट अ कैलकुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूआरएल एंड इट्स वैल्यू। इतना तो आपको समझ में आ चुका है। चलिए एक कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करते हैं। राउट गेट, हम कोशिश करते हैं कि ये जो पहला वाला है जो हम स्टैटिक टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, आप ये नहीं भी लिख सकते हैं स्टैटिक टेक्स्ट, आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों को एज अ वैल्यू आप पकड़ सकते हैं। चलिए, मैंने पहले में दे दिया n1, दूसरे में दे दिया n2, ये कोई भी नाम हो सकता है। उसके बाद आप एक फंक्शन बनाइए, यहाँ पे डॉलर n1 और डॉलर n2 दोनों को वेरिएबल में ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पे सॉरी गलत हो गया, दोनों को वेरिएबल में ले लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला, वो सिंपली n1 n2, यहाँ पे कोई स्टैटिक टेक्स्ट कंपेयरिंग नहीं होगा। मेन डोमेन के बाद आप जो कुछ भी लिखोगे वो पहले वेरिएबल में ले लिया जाएगा, फिर दूसरा जो कुछ भी लिखोगे वो दूसरे वेरिएबल में ले लिया जाएगा, और इन दोनों को यहाँ रिसीव कर लिया जाएगा, ठीक है? चलिए, इको डॉलर n1 प्लस डॉलर n2, ठीक है, इस सब को मैं कमेंट कर देता हूँ, सिर्फ ये वाला रखते हैं, डॉलर n1 डॉलर n2। तो क्या होगा, कहने का मतलब क्या, अब जो है आपके पास कोई बैरियर नहीं है, सिंपली आप लिखो पहले 100 फिर लिखो 200। तो पहले वाले को पहले वेरिएबल में पकड़ लिया, ये यहाँ पे पकड़ेगा वो, क्योंकि अब इसका कोई स्टैटिक टेक्स्ट आपने लिखा नहीं है, वेरिएबल बनाया है, तो जो भी वैल्यू होगा सीधे n1 में आएगा, दूसरा वाला n2 में आएगा, और यहाँ से वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे फंक्शंस आर्ग्यूमेंट में, n1 n2 में आ गया, और उसके बाद आपने इन दोनों को समेशन कर दिया। तो क्या ये समेशन होगा, लेटेस्ट टेस्ट, वाह हो गया। तो ये एक और एग्जांपल मैंने आपको बता दिया वेरिएबल्स के। चलिए अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाते हैं इसके ऊपर, ठीक है? तो राउट लिखा हमने, गेट कैसे बनाएंगे कैलकुलेटर देखते जाइए। तो सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं एक्शन लिखूँ, ठीक है, एक्शन को भी मैं वेरिएबल में ले लेता हूँ, उसके बाद एक और वेरिएबल लेते हैं, उसके बाद एक और वेरिएबल लेते हैं। तो ये मैं एक्शन, तो देखिए ये वेरिएबल है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे आप कुछ भी लिखो, फिर n1 और फिर n2, ये यहाँ पे जो आप ये जो वेरिएबल लिख रहे हो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है? आप वहाँ पे यूआरएल में कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसको एज अ वेरिएबल टर्म रिसीव किया जा रहा है, मतलब दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो वहाँ आप कुछ भी लिखो वो इस एक्शन में रिसीव हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हो, ठीक है? अब इन तीनों को मैं यहाँ पे एक वेरिएबल्स में, फंक्शन के वेरिएबल में, आर्ग्यूमेंट में रिसीव कर लेता हूँ। तो पहला हो जाता है एक्शन, और दूसरे बार फिर जो n1 है उसको रिसीव करते हैं, फिर जो n2 है उसको रिसीव करते हैं। ध्यान रहे आपका यहाँ नाम कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, सेम नहीं। अब देखिए मैं क्या लिखता हूँ, अगर ये जो डॉलर एक्शन है अगर ये इक्वल टू मैं इसको लिख देता हूँ, अगर इक्वल टू एड एड, ठीक है ना, एस तीन तीन लेटर का काम करते हैं, अगर ये है तो ये इको क्या करेगा, डॉलर n1 प्लस डॉलर n2 दोनों को सम कर देगा, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ एडिशन, एडिशन कोलोन डॉलर, ठीक। फिर क्या करते हैं, अगर इफ़ ये जो डॉलर एक्शन है मेरा वो इक्वल टू SUB है, तो अपने क्या करना है, मैं दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दूंगा, ठीक है ना? समझ में आ रही? देखिए अगर आपको पैरामीटर वाला चीज़ समझ में आ गया तो ये एग्जांपल में बहुत मज़ा आएगा, और ये एग्जांपल आप खुद से कर लोगे। उसके बाद अगर वो MUL है तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, और अगर वो DIV है तो यहाँ पे भाई डिवीजन हो जाएगा, और ये जो है आप पूरा यहाँ पे लिख दो सब्सट्रैक्शन, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद हम लिख देते हैं डिवीजन, ठीक है? उसके बाद हम लिख देते हैं डिवीजन। तो देखिए क्या मज़ेदार बना ना, आप अपने सिर्फ यूआरएल से यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेटर बना ले रहे हो। तो चलिए कैसे करते हैं, टेस्ट कैसे करना है इसे। तो
तो हम यहाँ पे आते हैं, पहले हमें एक्शन लिखना है। मान लेते हैं हम लिखा ना हमने ऐड, उसके बाद हम लिखते हैं 10 एंड उसके बाद हम लिखते हैं 20। सो व्हाट वुड बी द रिजल्ट, देख लेते हैं। ऐड 10 एंड 20, एक बार चेक कर लेते हैं। इज देयर समथिंग मिस्टेक, हमने पहले लिखा एक्शन इन डॉलर एंड, अच्छा एक मिनट, पहले आप इसे डिसेबल कर दो। ठीक है, क्योंकि ये जो है हैम्पर करता है, पहले जो प्राइप ऊपर है पहले उसको टेस्ट करता है, उसके बाद तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। अगर ये हम कर रहे हैं तो बाकी सारा बंद कर देते हैं। अब टेस्ट करते हैं, अनडिफाइंड कॉन्स्टेंट N2 डॉलर एक्स डॉलर एन, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमारा डॉलर जो है वो छूट गया है। सेम ही, अब चलिए अब हम आते हैं और यहाँ पे देखिए एडिशन 32 है ना। अब बस इसको बदल दीजिए, सब्सट्रैक्शन कर दीजिए -10, सिर्फ इसको बदल दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 200, सिर्फ इसको बदल दीजिए, डिव कर दीजिए डिविजन। तो कितना कमाल बात है, कितनी मज़ेदार बात है। अगर आपका ये URL के में पैरामीटर्स कैसे भेजने हैं, कैसे रिसीव करने हैं, समझ में अगर इतना आ गया तो आप इससे ही कितनी कमाल की कमाल चीज़ें बना सकते हैं। तो होपफुली ज़रूर समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं, जैसे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि हम राउटिंग के पूरे एडवांस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। सो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा समझने के लिए, पूरा देखिएगा तो ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कब बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा कंडीशन बनाना है कि अगर वो पैरामीटर दे रहा है तो भी ठीक, और नहीं दे रहा है तो हम कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पकड़ लें, एरर ना खाए या 404 पे ना जाए। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ऑप्शनल जो पैरामीटर्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वो वैल्यू जो है हमारा डिफ़ॉल्ट, आप पैरामीटर बना लो, अगर दिया तो ठीक, नहीं दिया तो जो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो काम करेगा। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स वाला राउटिंग हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो चलिए हम रूट बना लेते हैं। रूट बना के बाद हम लिखते हैं गेट। तो अगर भाई कोई यूज़र अपना नाम दे रहा है ना, तो यहाँ वो नाम देगा और ये ऑप्शनल है, इसका पहचान कैसे, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। तो ये वो वेरिएबल का वैल्यू होगा जहाँ पे वो अपना नाम देगा, बट वो नहीं भी दे सकता है तो इसकी पहचान ये क्वेश्चन मार्क होगी। इसे समझ में आएगी, वो अपना वेरिएबल का वैल्यू भाई नहीं भी दे सकता है। तो अगर नहीं देगा तो क्या करना है, फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे हम एक डॉलर नेम, एक एक वेरिएबल बना लेते हैं डॉलर नेम, और उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम रख देते हैं एनोनिमस। एनोनिमस, और अगर वैल्यू देता है तब तो ठीक है। अब हम प्रिंट करते हैं हेलो डॉट स्पेस डॉट नेम। ठीक है, तो अगर नेम का वैल्यू दिया जाएगा, इस वाले वेरिएबल का वैल्यू दिया जाएगा, तो ये जो नेम इक्वल टू एनोनिमस है ये इनिशियलाइज नहीं होगा और जो आप दे रहे हैं वो यहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगर आप ये नेम वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो इस नेम में ये एनोनिमस इनिशियलाइज करके तब बॉडी के अंदर भेजा जाएगा। चलिए देख लेते हैं यूज़र, उसके बाद हमें नाम देना है। तो यहाँ पे आते हैं, पहले देते हैं यूज़र, उसके बाद हम देते हैं जमाल। तो हम नाम दिया है तो देखिए हेलो जमाल आ रहा है, और अगर हम ये नाम नहीं देते हैं देखो क्या दिख रहा है, हेलो एनोनिमस। तो समझ में आया आपको बात। तो ये हमने एक और कैटेगरी देख लिया भाई राउटिंग के, कि ऑप्शनल पैरामीटर हमें कैसे पास करने या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हमें कैसे पास करने। कोई भी दिक्कत आ रही होगी समझने में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको ज़रूर कवर करूँगा। तो ये कुछ राउटिंग्स के पार्ट हो गया। अब हम नए सेक्शन की ओर चलते हैं जहाँ पे हम अपने राउटिंग में ना कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तो हो गया कुछ पैरामीटर्स पे। अब जो राउटिंग के जो पैरामीटर के जो वैल्यूज़ आ रहे हैं उन पे हम कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स लगा सकते हैं, कि जैसे भाई वो पैरामीटर या का जो वैल्यूज़ है, पैरामीटर में जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है वो कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z ही होना चाहिए, सिर्फ स्मॉल में लिखा हुआ होना चाहिए, सिर्फ नंबर्स में लिखे हुए होने चाहिए। इस तरह के कुछ हम मैनेजमेंट, इस तरह के कुछ हम कोड्स देखते हैं। तो चलिए इसे भी हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, अपने नए राउटिंग्स की ओर। अब नए राउटिंग्स हम चाहते, चलिए एक नेम हमें यूज़र से लेना है और उस नेम में हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल A to Z और स्मॉल A to Z ही हम एक्सेप्ट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे उसका राउट, देखिए सबसे पहले राउट में चलते हैं गेट।
और उसके बाद दो पैरामीटर दे दीजिए। पहले वाले में आपको क्या करना है, लिखना है यूज़र, उसके बाद आप चाहते हो कि एक वेरिएबल हम एक्सेप्ट करें, मतलब एक वैल्यू एक्सेप्ट करें, नेम जिसका वैल्यू यूआरएल पे कुछ भी होगा, जो भी होगा वो इस नेम में आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया जा रहा है फंक्शन, और फंक्शन के अंदर डॉलर नेम नाम के एक वेरिएबल में हम उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपली उसको इको कर दे रहे हैं, इको डॉलर नेम। बट हम चाहते हैं भाई कि ये जो नाम है इसके अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कुछ भी नंबर्स इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये देखिए जहाँ पे ये जो फंक्शन है ना, जहाँ पे ये जो गेट है, फंक्शन तो यहाँ ख़त्म हो जा रहा है, ये जो गेट का जो ब्रैकेट ख़त्म हो रहा है, ये जो आप गेट दिख रहा है ना आपको, जहाँ पे इसका ब्रैकेट ख़त्म हो जा रहा है, यहाँ पे आप एक कंडीशन लगा सकते हैं वेयर क्या भाई हमारा नेम, जो हमारा नेम है वो क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, वो वही कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड ही होना चाहिए और किसी भी लेंथ का होना चाहिए। बस इतनी सी बात आपको लिख देनी है, उसके बाद देखिए इसका टेस्ट हम करते हैं। मतलब हमने क्या बताया कि भाई यूआरएल पे पहले तो यूज़र नाम का स्टैटिक टेक्स्ट होना चाहिए, उसके बाद जो भी आप दे रहे हो वो एज अ नेम वैल्यू यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके बाद हम उसको इस फंक्शन में भेज दे रहे हैं जहाँ पर उसे प्रिंट कर दिया जाएगा। बट लगे हाथ हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक वेयर क्लॉज लगा दिया, जो ये क्या टेस्ट करेगी, जो नेम आ रहा है वो नेम कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड के बीच ही होना चाहिए और किसी भी लेंथ का होगा। लेकिन इसको छोड़ के अगर आप उसमें 0 to 9 या 1 कोई भी स्पेशल कैरेक्टर मिक्स करते हो तो वो काम नहीं करेगा, फिर 404 पे चला जाएगा। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं, यूज़र देखे हमने दिखा और हम दे देते हैं जमाल, ठीक है। तो देखिए काम किया ये कि जैसा हम दे रहे हैं। अच्छा चलिए इसको हम ऐसा कर देते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन इन यूआरएल वैल्यू, इस तरह से हम लिख देते हैं ताकि समझ में आ पाए कि हाँ जो है यही वाला यूआरएल काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल मिला के देते हैं तब भी काम कर रहा है, देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन। अब हम इसमें क्या कर देते हैं, 1 2 3, मतलब ये जो पूरा है ये पूरा लिया गया है उस नाम में, यूज़र स्टैटिक है और ये पूरे को उस नाम का वैल्यू में एक्सेप्ट किया जा रहा है, मतलब उस पूरे को यहाँ एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके बाद उसे इस वेरिएबल में भेज दिया जाएगा, देन उसे यहाँ इको किया जाएगा। बट जैसा कि ये जो गेट फंक्शन है इसके अंदर हमने एक कंडीशन लगा रखा है कि भाई जो नाम यहाँ आ रहा है, जो वेरिएबल यहाँ आ रहा है वो यही होना चाहिए, मतलब उसमें 0 to 9 या अदर कोई कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, सिर्फ प्योरली कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड ही होना चाहिए। तो उसे केस में यहाँ अगर हम देते हैं 1 2 3 मिक्स करके, तो देखिए कहाँ चला गया, 404 पे वही चला गया। तो होपफुली आपको ये समझ में आया हो। अब अगर 0 to 9 का देना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, चलिए इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे यूज़र की जगह आप दे दो एम्प्लॉई ईएमपी, उसे हम दे देते हैं ईएमपी, और यहाँ हम दे देते हैं आईडी, और ये डॉलर आईडी इस्तेमाल कर, देखिए कुछ भी हो सकता है बट डॉलर आईडी लिखिए ताकि समझ में आए कि ये वाला है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, बस यही वाला रहने देते हैं डॉलर आईडी। यहाँ पे हम दे देते हैं वो जो डॉलर आईडी है वो 0 to 9 के बीच होना चाहिए किसी भी लेंथ का, तो 0 to 9 के बीच आप दोगे तो वो उसको एंटरटेन करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो चलिए हम क्या लिखते हैं, यूज़र की जगह अब हमें ईएमपी लिखना है और हम यहाँ दे देते हैं 100। तो भैया चलिए इसे तो एंटरटेन कर लिया, लेकिन ईएमपी को अगर मैं दे दूँ जमाल तो भाई अच्छा ये ऊपर वाला जो है ना वो काम कर गया, इसे आप पहले कमेंट कर दो, कमेंट कर दिया हमने, और उसके बाद ईएमपी और जमाल अब ये देखो तो ये नहीं काम करेगा, ठीक है। एक सेकेंड, हमें ईएमपी देना है, वेरिएबल देना है और वो 0 to 9 के बीच होना चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, इसलिए काम कर रहा बिकॉज यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया। अब ये नहीं काम करेगा, 404 पे चला गया, ईएमपी 101 पे ही होना चाहिए। देखो ये नंबर अगर आप लोगे तो चलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे अब आप टेक्स्ट लोगे तो ये नहीं चलेगा, नॉट फाउंड में चला जाएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे मल्टी वेरिएबल्स भी ले सकते हो, मतलब आप चाह रहे हो हम नाम ले और एज ले, नाम मेरा टेक्स्ट होना चाहिए और एज जो है वो मेरा नंबर होना चाहिए। तो यहाँ नाम ले लेते हैं, नेम में ये नेम दे देते हैं, फिर यहाँ हम एज ले लेते हैं, और फिर हम यहाँ एज में एज का वेरिएबल बना देते हैं एज। यहाँ होपफुली आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, नेम और डॉलर एज, यहाँ हम सिंपली उसको प्रिंट कर देंगे और कुछ नहीं करने वाले। नेम कोलोन डॉलर नेम, फिर कोलोन स्पेस एज कोलोन डॉलर
एज, ठीक है, हमने सिंपली यहाँ प्रिंट कर दिया, बट इसका वैलिडेशन कैसे करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। तो सबसे पहले ये जो आईडी आपको ना यहाँ पे, आप क्योंकि मल्टीपल जहाँ पे भी ये जो है ना अपना लेरेवल, जहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें भेजनी है, बस वहाँ पे आपको एरे बना के भेज देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक एरे बनाएंगे, उस एरे में पहले हम जो है पहले आप नेम वाला जो है उसको ट्रीट कर लीजिए, कि भाई जो हमारा नेम है, वो जो हमारा नेम है वो होगा, वो होना चाहिए आपका कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड और किसी भी लेंथ का ये होना चाहिए, पहला पैरामीटर हो गया। दूसरा फिर हमारा क्या है, एज है, जो एज होगा वो एरो और फिर इसके अंदर आप आ जाओगे, वो हमारा 0 to 9 के बीच होगा और वो किसी भी लेंथ का होगा और इसको यहाँ तक आप कर दो। तो देखिए ध्यान से समझिए, एक एरे बनाया हमने, ये एरे है इस तरह से ये वाला, ठीक है। अब इसमें दो पैरामीटर हैं, पहला पैरामीटर ये है जिसमें हमने लिखा है नेम और वो क्या होना चाहिए, फिर सिंगल कोट के अंदर आपको वो रेगुलर एक्सप्रेशन देना है, भाई जो नेम है मेरा वो कैपिटल ए टू स्मॉल ए टू जेड होना चाहिए और जो एज है मेरा वो 0 to 9 के बीच होना चाहिए। इसे रन करते हैं, देखिए कुछ तो छूट रहा है हमारा, कोई ब्रैकेट हमसे छूट रहा है यहाँ पे, टेस्ट करके देखते हैं। तो जो यहाँ पे हम आ जाते हैं नेम वो होगा जमाल और जो एज होगा वो होगा 28, ठीक है, देखिए आ गया। अब अगर हम मिक्सिंग करें तो नेम में हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स मिक्स कर देते हैं और एज में हम कुछ वाई मिक्स कर देते हैं, तो देखिए क्या हो गया, नॉट फाउंड। तो समझ में आ गया कि किस तरह से आपको URL के वैल्यूज़ को वैलिडेट करने हैं डायरेक्टली यूज विद द हेल्प ऑफ राउटिंग। अब जो है बिल्कुल लास्ट की ओर चलते हैं। अब अगर समझिए कि ये जो बार बार आपको दिख रहा है यहाँ पे नॉट फाउंड नॉट फाउंड, तो मैं एक ऐसा राउटिंग बनाना चाहता हूँ, जैसे शुरू में मैंने बताया कि यहाँ पे वही राउट इंटरटेन किया जाएगा जिसकी एंट्री आप कर रहे हो, इस आपके वेब डॉट पेज में जिसकी एंट्री है वही URL इंटरटेन किया जाएगा। तो मैं लास्ट में एक ऐसा URL बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा राउटिंग करना चाहता हूँ कि भाई अगर नहीं मैच करे तो उसके लिए क्या बताना है। अगर कोई भी आप एक ऐसा URL राउटिंग URL दे रहे हो जो कि है ही नहीं, तो उसके लिए क्या बार बार 404 एरर दिखाना तो ठीक नहीं है। आपके राउटिंग में, आपके वेबसाइट में, एक एप्लीकेशन में ऐसा राउट तो होना चाहिए जो भाई अनडिफाइंड राउट को प्रॉपर तरीके से उसका रास्ता दिखा दे, है ना। तो चलिए इस केस में हम क्या करेंगे, राउट इस्तेमाल करेंगे और हम इस्तेमाल करेंगे फॉल बैक, ठीक है। फॉल बैक में हम सिंपली एक फंक्शन बना देंगे और फंक्शन में ये बात लिख देंगे कि भाई आपको जो है यहाँ, है ना, सिंपली क्या लिखा हमने, एक फॉल बैक लिखा, एक सिंपल फॉल बैक URL बना दिया और यहाँ पे इको कर दिया दिस URL इज नॉट अलाउड, दिस URL इज नॉट अलाउड इन दिस एप्लीकेशन। अब ये देखने में कितना खूबसूरत लगे भैया। अब जो भी इस तरह का आप गलत URL दोगे, किसी में से भी अगर कोई गलत URL देगा तो ये फॉल बैक आके हैंडल कर लेगा। ध्यान रहे फॉल बैक बिल्कुल नीचे रहना चाहिए, सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो समझ में आ गया, मतलब फॉल बैक अगर नहीं मैच करता है तो नीचे आ जाएगा। तो देखते हैं एक बार टेस्ट करके, यही जो हमने जो अभी मेरा एरर खा रहा था उसमें हम देखते हैं। अब फॉल बैक में जो पहले आपका 404 एरर आ रहा था, अब देखिए उसके लिए क्या दिखा रहा था, URL इज़ नॉट अलाउड इन दिस एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये जो है एक मच सफिशियंट राउटिंग हो गई Laravel एप्लीकेशंस की, और भी है, राउटिंग की कोई कमी नहीं है, बट वो राउटिंग अब हम थोड़ा एप्लीकेशंस देखने के बाद करेंगे, है ना। किसी भी चीज़ का कोई अंत तो नहीं होता है, बहुत है अभी भी, बट इतना एक सफिशियंट है ताकि अब हम इतना सीखने के बाद आगे के टॉपिक्स को बहुत आसानी से कवर अप कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। बट जो रेस्ट ऑफ राउटिंग्स होंगे वो भी जब हम इन बिटवीन जब अपने टॉपिक्स को कर रहे होंगे, वो भी उनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी और वो हम सीखते हुए आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो होपफुली ये इतना सारी बात आपको समझ में आएगी, प्रैक्टिस ज़रूर करिए, देख के वीडियो पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।